नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 अक्टूबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है छोटी दिवाली से प्रसिद्ध नरक चतुर्दशी, जानिए आज क्यों जलाते हैं यम का दीपक, पितरों का बना रहता है आशीर्वाद। बाढ़ प्रभावित किसानों को मिली सहायता राशि, डीबीटी के जरिए सीएम नीतीश ने सीधे खाते में भेजे पैसे, सीएम नीतीश आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर। बिहार में पर्यटकों को मिलेगी बेहतर व्यवस्था, होटल की तर्ज पर मोटेल खोलने की तैयारी, विभाग ने सभी जिलों से एनएच किनारे 2 एकड़ मांगी जमीन। स्कूलों में कोर्स बांटकर होगी पढ़ाई, 60% पुराने और 40% नए पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे सवाल, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक नई पहल। अक्षरा सिंह, पंकज त्रिपाठी व विक्रांत मैसी के साथ आई नजर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया शेयर, फ्लाइट में हुई थी मुलाकात। धोनी ने सौरभ गांगुली से जुड़ा किस्सा किया शेयर, धोनी ने गांगुली को सौंपी थी जब कप्तानी, गांगुली के आखिरी टेस्ट मैच को बनाया था यादगार। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, इन शिक्षकों का फिर से होगा बायोमेट्रिक सत्यापन, 4 नवंबर तक देना होगा आवेदन। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ऑयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ONGC की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए 2236 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 10 नवंबर कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ONGCIndia.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उन्होंने संबंधित ट्रेड में 10वीं 12वीं या ITI या संबंधित स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। भर्ती से संबंधित सटीक अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट अधिसूचना को देख सकते हैं। आज छोटी दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली होती है। आज के दिन रात के समय में लोग अपने घरों से यम का दीपक निकालेंगे। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक यम दीप दान करने से अकाल मृत्यु या किसी तरह की अनहोनी का खतरा टलता है। आज के दिन ही यम का दीपक जलाने के पीछे ये मान्यता है कि इससे मृत्यु और भय का नाश होता है, साथ ही यमराज की कृपा बनी होती है और सुख समृद्धि आती है। मान्यताओं के मुताबिक आज के दिन दीपक दान करने से पितरों का आशीर्वाद भी बना होता है। आज के दिन ये दीप सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर जलाकर दक्षिण की दिशा में रखने की परंपरा है। बिहार अपने निवेशकों के लिए भूमि बैंक बना रहा है, जिसके तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जिलाधिकारियों को औद्योगिक जरूरतों के लिए बड़े भूखंडों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नियमों के तहत भूमि अधिग्रहण किया जा सके। वर्तमान में बिहार में निवेश योग्य भूमि बैंक में केवल 1500 एकड़ जमीन उपलब्ध है। उद्योग विभाग का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट 100 एकड़ या उससे अधिक भूमि की प्राथमिकता पर है, क्योंकि 50 से 100 एकड़ के क्योंकि 50 से 100 एकड़ के भूखंड लगभग नहीं है। अगर भूमि अधिग्रहण संभव नहीं हुआ तो लैंड पुलिंग का विकल्प भी उपलब्ध है। इस प्रक्रिया में किसान स्वेच्छा से अपनी जमीन देते हैं और सरकार उसे औद्योगिक जरूरतों के अनुसार विकसित करती है, जिसमें उन्हें उचित मुआवजा भी दिया जाता है। लैंड पुलिंग की प्रक्रिया गुजरात और UP में भी अपनाई जा चुकी है। बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित 1.52 लाख किसानों को DBT द्वारा सीधे उनके खाते में 101 करोड़ रुपए भेजे हैं। बता दें कि अभी हाल में ही प्रदेश में कई जगहों पर लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा, कोसी, गंडक, बागमती और कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके कारण बाढ़ से कई जगहों पर फसल की बर्बादी हुई। इसलिए प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत दी जा रही है। जल्द ही अन्य प्राप्त आवेदनों का सत्यापन करके प्रभावित किसानों को जल्द ही राशि दी जाएगी। इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राज्य सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करवाती है। उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए लगातार तत्पर रहते हैं।
बिहार में कई जगहों पर अक्सर आने वाले पर्यटकों के लिए उनके रहने रुकने यानी बेहतरीन मेहमान नवाजी की सुविधा में कमी दिखती है। अब इसी को देखते हुए अभी हाल में ही सरकार ने कई निजी होटल संचालकों से कैफेटेरिया आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। हालांकि बहुत कम होटल ही ऐसे रहे जिन्होंने आवेदन किए, जिसके बाद प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार खुद भी सुविधाओं का विकास करने की तैयारी कर रही है। बिहार में पर्यटन स्थलों को 20 से 22 जिलों में व्यवस्थित करने की योजना है, जिसके तहत सरकार होटल मोटल खोलने की योजना बना रही है। इसके लिए अभी विभाग ने सभी जिलों से NH किनारे 2 एकड़ सरकारी जमीन की मांग की है, जहां पर्यटकों के लिए रहने, पार्किंग और रेस्टोरेंट आदि का इंतजाम किया जा सके। अगर आप मोटेल नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये सड़क किनारे बनाने वाले होटल को मोटेल कहते हैं। अभी दिवाली का समय है, इस दौरान पटाखों की आतिशबाजी और दिए जलाए जाते हैं, लेकिन त्योहार में कुछ सतर्कताएं भी जरूरी हैं। इस दौरान पटाखे से या आग से कोई व्यक्ति घायल होता है और जलने के बाद उसे काफ़ी दर्द हो रहा है, तो उसका मतलब है कि उसके हालत गंभीर नहीं है। उसके जले हुए हिस्से को पानी की धार से नीचे रखें, जले हुए भाग पर राख, मिट्टी, पाउडर, बटर जैसे पदार्थ डालें, जले हुए भाग को साफ सूती कपड़ों से ढक दें। इन प्राथमिक उपचार के बाद ही उसे नज़दीकी अस्पताल ले जाएं। आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र पर हेल्पलाइन नंबर 0612294204 या 205 पर संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। बीते दिन सीएम नीतीश ने धनतेरस के मौके पर किसानों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल इस सौगात के तहत सरकार ने रबी महाअभियान 2024-25 का शुभारंभ किया है। इसकी शुरुआत पटना में एक अन्य मार्ग से हरी झंडी दिखाकर हुई। इस दौरान 4 कृषि ज्ञान वाहन और 18 किसान जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि रबी महाअभियान किसानों के लिए क्रांतिकारी साबित होने वाला है। इस अभियान के तहत किसानों को चौथे कृषि मैप आदि की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को रबी मौसम से संबंधित कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में अब परीक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम बांटकर बच्चों की पढ़ाई होगी। मासिक परीक्षा में 60% प्रश्न नए पाठ्यक्रम से और 40% पुराने पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। हालांकि अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरे पाठ्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। शिक्षक नए और पुराने पाठ्यक्रम को मिलाकर पढ़ाएंगे ताकि छात्रों को अधिक जानकारी मिले। ये पहल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए की जा रही है। स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यालय स्तर पर स्कूलों की नियमित मॉनिटरिंग होगी, जिसमें सुविधाओं और छात्र शिक्षक की उपस्थिति की जांच की जाएगी। सुधार के लिए हर महीने डेटा तैयार किया जाएगा। बीते दिन दिवाली के तोहफे के रूप में पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का विस्तार कर 70 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को 5,00,000 रुपए के मुफ्त इलाज की शुरुआत की है। इस दौरान पीएम मोदी ने 12,850 करोड़ रुपए की कई स्वास्थ्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिससे बिहार समेत 18 राज्यों के हेल्थ प्रोजेक्ट शामिल थे। देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी की शुरुआत भी एम्स ऋषिकेश से हुई है। आयुष्मान कार्ड विस्तार से 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को हर साल 5,00,000 रुपए के मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। भोजपुरी क्वीन कही जाने वाली अक्षरा सिंह इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव दिखाई देती हैं। हाल ही में उन्होंने 2 पोस्ट शेयर किए हैं, जिनमें वे बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मिसी और पंकज त्रिपाठी के साथ नजर आ रही हैं। अक्षरा ने पहली फोटो विक्रांत मिसी के साथ फ्लाइट में ली और लिखा, संयोग से फ्लाइट में मुलाकात हुई, कमाल के एक्टर हैं और इंसान हैं विक्रांत मिसी। दूसरी फोटो में वे पंकज त्रिपाठी के साथ नजर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, व्यक्तित्व के धनी पंकज त्रिपाठी अंकल, जिनसे बचपन में मुलाकात हुई थी। अक्षरा द्वारा शेयर किया गया ये फोटो खूब वायरल हो रहा है। छठ के बाद प्रदेश के 24 जिलों में नाइट ब्लड सर्वे अभियान की शुरुआत होने वाली है। इस अभियान के तहत रात के 8:30 बजे से आधी रात 12 बजे तक 20 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा। ये ब्लड सैंपल रैंडम तरीके से लेने की तैयारी है। इस अभियान का उद्देश्य ब्लड सैंपल के जरिए लिम्फैटिक फाइलेरियासिस या एलिफेंटाइसिस संक्रमण का पता लगाना है, जिसे हाथी पांव या फाइलेरिया के नाम से भी जाना जाता है। यह अभियान 15 से 30 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद अगले साल फरवरी में लोगों को एंटी फाइलेरियल ड्रग्स का डोज अभियान के जरिए दिया जाएगा। बिहार में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। जिन
जिन नियोजित शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापन काउंसलिंग के दौरान हो गया लेकिन आधार का सत्यापन नहीं हुआ, उनका पुनः बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए उन्हें अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास 4 नवंबर तक आवेदन देना होगा। इसके अलावा जिन शिक्षकों के सर्टिफिकेट संदिग्ध पाए गए हैं उन्हें सही सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका दिया गया है। इस प्रक्रिया में 23,801 शिक्षकों को शामिल किया गया है। काउंसलिंग 13 सितंबर को हुई थी और शिक्षक नाम, जन्मतिथि, लिंग आदि में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के आधार पर जानकारी को संशोधित किया जाएगा और बाद में बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसमें से 2 सीट गया से है, गया के बेलागंज से 3 और इमामगंज से 1 प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया है। बेलागंज के उम्मीदवारों में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के जितेंद्र यादव, निर्दलीय पार्टी से सुरेंद्र यादव और शंभू कुमार का नाम शामिल था। वहीं बेलागंज से राजद के सुरेंद्र यादव, जदयू की मनोरमा देवी, जनसुराज के मोहम्मद अमजद और AIMIM से मोहम्मद जावेद अली खान के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बिहार में दाना तूफान का असर खत्म हो चुका है। दिवाली के बाद ठंड बढ़ने की संभावना है। आज केवल भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में एक या दो जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कोई चेतावनी जारी नहीं है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री रहने वाला है, वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की उम्मीद है। गंगा नदी की महत्ता और उसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पटना में गंगा महोत्सव का आयोजन 4 नवंबर को NIT घाट पर किया जाएगा। ये महोत्सव हरिद्वार में होने वाले गंगा महोत्सव का हिस्सा है। इस कार्यक्रम में घाट पर हाट और विभिन्न स्टॉल होंगे जिसमें नमामि गंगे के पहलुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। बच्चों के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी जैसे प्रश्नोत्तरी, फिल्म प्रदर्शन, जादू शो, कठपुतली शो और चित्रकला प्रतियोगिताएं। युवा पीढ़ी में नदी संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक भी किए जाएंगे। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि गंगा उत्सव 2024 लोगों को नदी से जोड़ने का प्रयास करेगा। किशनगंज में उत्पाद विभाग ने गलगलिया चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जिसमें 810 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये शराब पश्चिम बंगाल से बिहार में तस्करी के लिए पिकअप वैन में लाए जा रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को गलगलिया मद्य निषेध चेक पोस्ट पर गश्ती तेज की गई। संदेह होने पर एक पिकअप वैन को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई जिसमें 90 कार्टन में शराब बरामद हुए। गिरफ्तार तस्करों की पहचान नंदकिशोर सहनी और विकास कुमार के रूप में हुई है जो मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इस कार्रवाई में उत्पाद विभाग के कई अधिकारी भी शामिल थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में NDA की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें पशुपति पारस और उनके पार्टी के किसी नेता को न्योता नहीं मिला। इस पर पाटलिपुत्रा की सांसद मिसा भारती ने सवाल उठाया, जब सीनियर नेता ही मौजूद नहीं थे तो ये बैठक कैसी थी। उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मिसा भारती ने बिहार में होने वाले उपचुनावों का भी जिक्र किया जहाँ सभी दलों के उम्मीदवार प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि RJD जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पप्पू यादव को धमकी के मामले में मिसा भारती ने कहा कि जेल से धमकी दी गई है और इसकी जांच की जानी चाहिए। बिहार में आगामी उपचुनाव से पहले सीएम नीतीश के आवास पर NDA नेताओं की बड़ी बैठक देखने को मिली। इस दौरान आगामी उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इस बैठक को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि सीएम नीतीश के पहल पर 5 घटक दलों की बैठक थी जिसमें प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, विधायक और सांसद शामिल हुए थे। बैठक में सभी दलों ने अपनी राय रखी और कई अहम फैसले लिए गए। आगामी 2025 का विधानसभा चुनाव NDA सीएम नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगा। इस बार NDA के घटक दल 225 सीटों पर जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान पशुपति पारस NDA के हिस्सा है या नहीं इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को चुनाव चिन्ह सेब यानी एप्पल मिल सकता है जिसका आधिकारिक ऐलान आज यानी 30 अक्टूबर को होगा। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे यह चिन्ह आवंटित करेगा। उपचुनाव में 4 सीटों पर जनसुराज के प्रत्याशी एप्पल के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। जनसुराज पार्टी का गठन 2 अक्टूबर को हुआ था और तब पार्टी का नाम आयोग ने मंजूर किया था लेकिन चुनाव चिन्ह नहीं मिला था। उपचुनाव में जनसुराज ने तराली से किरण सिंह, बेलागंज से मोहम्मद अमजद, रामगढ़ से सुशील सिंह और कुशवाहा और इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को प्रत्याशी बनाया है। वोटिंग 13 नवंबर को होगी और परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। कुल 50 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा जिसमें 44 का चयन हुआ है।
अभी हाल में एक इवेंट के दौरान पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सौरभ गांगुली से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया। उन्होंने उस पल को याद किया जब नवंबर 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर में अपने विदाई टेस्ट के दौरान धोनी ने गांगुली को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी थी। इस दिन सौरभ गांगुली का आखिरी टेस्ट मैच था। धोनी ने गांगुली के इस पल को यादगार बनाने के लिए उन्हें टीम की कप्तानी सौंपी थी। इस पल को याद कर धोनी ने कहा कि भारत के अब तक के सबसे महान कप्तानों में से एक होने के नाते आप अपनी ओर से इससे बेहतर विदाई क्या दे सकते हैं। अगर वो कुछ देर कप्तानी करते हुए खेल को अलविदा कह सकते हैं तो क्या दिक्कत है। इससे मैच के परिणाम का असर नहीं पड़ने वाला था। इस कदम के पीछे यही कारण था। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि ये उनके लिए मैदान पर कप्तानी करके विदाई लेने का सबसे अच्छा तरीका है। भले ही ये 15 से 20 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। आज के दिन वर्ष 1956 में भारत का पहला 5-स्टार होटल अशोक खुला था। आज के दिन वर्ष 2003 में अमेरिकी विदेश मंत्री कॉलिन पावेल ने पाकिस्तान को भारत के साथ शांति वार्ता करने को कहा था। आज के दिन वर्ष 1990 में भारत की महिला पिस्टल निशानेबाजी राही सरनोबत का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1958 में अभिजीत भट्टाचार्य का जन्म हुआ था। ये हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गायक हैं। आज के दिन वर्ष 1909 में होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। प्रयागराज में 12 वर्षों के बाद महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं। गूगल पर महाकुंभ 2025 की तारीखें और संबंधित जानकारियों की खोज की जा रही है। इसकी जानकारी के लिए लोगों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाकुंभ 2025 के आधिकारिक ऐप महाकुंभ मेला 2025 का अब लाइव हो चुका है और इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी किया जा सकता है। इस ऐप पर महाकुंभ से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध होंगी। साथ ही महाकुंभ और कुंभ पर लिखी गई किताबें और ब्लॉग्स के माध्यम से इसकी परंपरा और महत्व की जानकारी दी जाएगी। प्रयागराज, जिसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, हर साल माघ मेला 6 वर्षों में कुंभ और 12 वर्षों में महाकुंभ के लिए जाना जाता है। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर इन दिनों कई तरह की धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। दरअसल दूरसंचार विभाग के नाम पर एक नकली एनओसी में कथित तौर पर प्राप्तकर्ता के स्थान पर मोबाइल टावर लगाने का दावा किया गया है और अनुबंध शुल्क के रूप में 2500 रुपए की मांग की गई है। लेकिन आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग द्वारा ऐसा कोई एनओसी जारी नहीं किया गया है। ये पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इसे शेयर करते हुए फर्जी बताया है। व्हाट्सएप अपने नियम और पॉलिसी को सख्त करता जा रहा है, क्योंकि लोग गलत तरीके से इसका उपयोग कर रहे हैं। गलत तरीके से व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों का अकाउंट बैन कर दिया जाता है। जब आपका अकाउंट बैन होता है तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें बैन का कारण बताया जाता है, जैसे स्पैम या असत्यापित संदेश भेजना। अगर आपको लगता है कि आपका अकाउंट गलती से बैन हुआ है तो आप व्हाट्सएप सपोर्ट से संपर्क कर सकते हैं। ऐप में हेल्प सेक्शन में जाकर ईमेल भेजें जिसमें अपना फोन नंबर और बैन का कारण शामिल करें। ध्यान रखें कि बैन 24 घंटे से 30 दिन तक रह सकता है। इस दौरान थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे जीबी व्हाट्सएप का उपयोग ना करें, क्योंकि ये अस्थाई बैन का कारण बन सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी यानी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें इंडिया गठबंधन में लाए थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। अखिलेश ने नीतीश के जाति जनगणना के प्रयासों की सराहना की और कहा कि बिहार ने इस मामले में देश को दिशा दिखाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नीतीश एक दिन वापस आएंगे, क्योंकि समय के साथ चीजें बदलती हैं। अखिलेश ने जाति जनगणना का समर्थन करते हुए कहा कि यह समाज को मजबूत बनाएगा। पूर्व में जब उनके नेतृत्व में ये मुद्दा नहीं उठाया गया तो उन्होंने केंद्र सरकार से भरोसा जताया था कि जाति जनगणना होगी, लेकिन डेटा सार्वजनिक नहीं हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, तमिल एक्टर विजय के राजनीतिक दल का नाम क्या है? ऑप्शन ए है जनसेना, ऑप्शन बी है मक्कल निधिमय्यम, ऑप्शन सी है तमिझागा वेत्री कसगम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है तमिझागा वेत्री कसगम। गृह मंत्री अमित शाह ने किस देश की सीमा पर एक नए यात्री टर्मिनल भवन का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश।
इनमें से कौन वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय है? ऑप्शन है मनिका बत्रा, ऑप्शन बी है श्रीजा कूला, ऑप्शन सी है सुतीर्था मुखर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मनिका बत्रा। बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसे मिली थी? ऑप्शन ए है अहमदुल्ला, ऑप्शन बी है विलायत अली, ऑप्शन सी है इनायत अली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अहमदुल्ला। बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है जगदीशपुर, ऑप्शन डी है मुर्शिदाबाद। इसका सही उत्तर है जगदीशपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है किशोरी पासवान, पुरुषोत्तम कुमार, कृष्णा प्रसाद, वीरेंद्र पंडित, समीम रजा, भरत प्रसाद, छोटू राजा, दिनेश चौधरी, परशुराम सिंह, धर्मेंद्र चौहान, मोहम्मद अशरफ अली, परवेज अंसारी, राम सागर पासवान, मुकेश दास, मुन्ना कुमार, मनोज कुमार, पूजा राठौर, रवि कुमार, विनय कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, राजेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है गंगा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आपके मुताबिक इसके संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।